तो देसी घी के तड़के वाली निहारी पूरे कराची में धूम मची हुई है और शाम को यहाँ बहुत रश होता है। तड़के का वक्त आ गया, मैं तड़का देखने जा रहा हूँ। हाँ, आपके साथ चलेंगे। अच्छा, उठा अभी है ये। ये देखेंगे ये भाई, अपनी निहारी तो जा रही है, हमें पीछे छोड़ दिया इसने। छोटी कहाँ बोली, अभी क्या लिया ये जुम्मा गुज्जर की निहारी। अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। ये क्या भाई, मगज। ये क्या भाई, मुंह में असली थी। नहीं, घी का टेस्ट अलग ही आ रहा है और जायका ऐसा जबरदस्त है कि रोटी की तरह बंदा जा ही नहीं रहा है। जायका ये सालन में घूम रहा है। अच्छा, ये गुज्जर है, इनका जो है ना अपना काम है डेयरी का, तो ये लोग कहते हैं कि हमारा इतना माशाल्लाह ये बटर बटर होता है कि हम लोग निहारी में डालते हैं। गुज्जर निहारी का टेस्ट इतना अच्छा है, एकदम रोटी खाना भी भूल रहे और ये सलाद पत्ता डालना भी भूल रहे। पहला फीडबैक यह है कि सालन जो है वो चमकता हुआ है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है सालन। आमतौर पे आजकल निहारी वाले सालन को गाढ़ा कर देते हैं आटा डाल के। आटे की भरमार से होता यह है कि एक तो कलर डार्क हो जाता है निहारी का और उसको खा के आपको हैवीनेस हो जाती है। अच्छा, गुज्जर निहारी की ख़ास बात यह थी कि ये मेरा दूसरा तजुर्बा है यहाँ पर और इसको मैंने जब भी खाया मुझे हैवी नहीं हुई निहारी, बिल्कुल लाइट रही है। सालन के टेक्स्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भाई अपनी खीर भी आ गई। खीर इनकी ओके थी, मुझे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं लगी। हो सकता है जिस टाइप की खीर मैं खाता हूँ ये वैसी ना हो, लेकिन खीर इनकी जायके में अच्छी थी। ये खालिद दूध की शक्ल बता रही है। रिव्यू बताएं, रिव्यू। प्योर है ना, आपको तो आइडिया है, आप तो आप 10 नंबर क्रॉस करेंगे तो 10 नंबर क्रॉस करने के बाद जो आखिरी पुल है उस पुल से पुल पे मैं चढ़िएगा, फिर नीचे से जाइएगा, मैं आपको लोकेशन इसमें डाल दूंगा। मजा आ गया बॉस।